नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, धरती पुत्र दिवंगत नेता श्री मुलायम सिंह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव गांधी परिवार का दरबारी बन जाएगा। इससे उनका समाज भी आहत है कि नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। ट्वीट के जरिए पलटवार किया है केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर, और अपने ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है, धरती पुत्र दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके गुजरने के बाद उनका पुत्र अखिलेश यादव गांधी परिवार के दरबारी बन जाएगा। इससे उनका समाज भी आहत है, नेताजी का बेटा किसी और की चाकरी करे। उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर केशव को मंत्री रहना है तो तारीफ करनी पड़ेगी। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी की तारीफ की थी और कहा था कि सीएम योगी जैसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखें? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देखें? अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, नहीं तो मंत्री रहना है तो तारीफ करना पड़ेगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने अपने 7 साल के कार्यकाल में कई रिकॉर्ड कायम किए, कई चुनौतियों का सामना किया, तब जाकर वो देश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को साबित कर पाए। लेकिन लोकसभा के चुनावी परिणाम से जो खटास और तनातनी सीएम योगी और केशव मौर्य के बीच हुई, उसे अखिलेश यादव ने भी भुनाने की पूरी कोशिश की। आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो, वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। लेकिन सरकार और गठबंधन की बात करने वाले केशव मौर्य अब योगी की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। सीएम योगी को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बता रहे हैं और योगी को यूपी के लिए उपयोगी बता रहे हैं। और मैं मानता हूं कि आप भी हम जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? केशव मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ क्या कर दी, विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। अखिलेश यादव ने एक बार फिर नया दांव चला और डिप्टी सीएम को लेकर नया बयान जारी कर दिया, जिस पर केशव मौर्य ने तगड़ा पलटवार किया है। वो कुछ है ही नहीं, वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। अखिलेश यादव जी का खेल खत्म हो चुका है, झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में।
अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल सफाई जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये इन अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल खड़े। श्री अखिलेश यादव जी दो धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम चार धार की तलवार लेकर के चलते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर केशव मौर्य के इस बदले रुख की क्या वजह है? क्या आप सरकार और संगठन ने मिलकर योगी का लोहा मान लिया है या ये बदलाव मौजूदा वक्त की जरूरत है? दरअसल यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये चुनाव बीजेपी के लिए खास की लड़ाई है, क्योंकि इस बार लड़ाई बेहद मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी की 80 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली थी, जो 2019 के मुकाबले 29 सीटें कम थी। ऐसे में विपक्ष की कोशिश बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई को सामने लाने की है, लेकिन केशव मौर्य ने अखिलेश के इस खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। खैर, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी ने आने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक दी है और केशव मौर्य के इस बयान ने साफ कर दिया है कि यूपी में योगी ही उपयोगी है, और चाहे उपचुनाव हो या 2027 का विधानसभा चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।